नहीं थे, उससे आगे चलते हैं। भिंडर साहब जरा ये बता दीजिए कि कंपैरिजन करें कि आपने इमरान खान साहब की पार्टी से, आप इस फ्रेश मेरे सामने हैं, इससे पहले आप क्यू लीग में थे, उससे पहले आप नून लीग में थे, अब आप दोबारा नून लीग में चलेंगे वापस आपकी पेरेंट पार्टी में, अब क्या आपको ऐसा फील हुआ कि आप नवाज शरीफ साहब के पास चले गए, और क्या ऐसी चीज आपको नहीं मिली इमरान खान साहब के पास, ताकि हम ये एनालिसिस तो करें कि बेसिकली आपको कोई मफाद की जंग थी, कोई कुर्सी नहीं मिली जो आपने की पार्टी छोड़ी, या कोई जेन्युइन इशू है? इसमें कोई बात नहीं है, मैं आपको वाजे तौर पे बताता हूँ कि पीटीआई में कहते हैं ये नौजवानों की पार्टी है, ये यूथ की पार्टी है, लेकिन आप ये देखें, मैं नाम गिन के बता दूं आपको, इतनी लंबी लिस्ट है जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटों को भर्ती करके हमारे सियासतदानों के ऊपर बिठा दिया गया है, वो किस लिए हम पे हुक्म चलाते हैं? नाम बताता हूँ फरीदुद्दीन, तस्नीम नौरानी, एडमिरल जुनैद इकबाल, रिटायर्ड आईजी यकूब, उसके बाद रिटायर्ड आईजी शौकत जावेद, उसके बाद शीरी मजारी, ये कौन लोग हैं? ये पार्टी को किस तरह कमांड कर रहे हैं गैर सियासी लोग जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये पार्टी पे सियासी ने सियासतदान